बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट मार्केट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने सीरीज शुरू किया था एसएसटी जर्नल का पेपर, जो कि कल यानी 20 मार्च को हो चुका है ईटा के जरिए, और आज इसका आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6। 5 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक करेक्शन की तरफ जाते हैं। करेक्शन नहीं, लेकिन एक दोस्त ने इस पर एतराज किया है। क्वेश्चन नंबर 71 को जरा देखें। द रेशियो ऑफ एन हावर टू अ मिनट इज, मैंने इसका आंसर दिया था ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन बी का मैंने रीजन भी आपको बताया था कि क्यों दिया हमने मैंने आपको इस तरह, क्योंकि एक मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो घंटे को कन्वर्ट करो, मिनट में 60 आ गया, तो रेशियो ऑफ एन आवर टू मिनट ये 1 हो गया, तो ये मैंने करेक्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। अब जिस दोस्त ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाई है वो देखिए, ये इस तरह है। ये एक दोस्त ने सेंड किया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है द रेशियो ऑफ एन आवर टू अ मिनट इज, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ये वाला, और क्वेश्चन आंसर ये दिया गया है 1:60। लेकिन यहां पर जरा देखिए, यहां पर मिनट पहले लिखा गया है, 1 मिनट 1 आवर, और वहां हमारे वाले क्वेश्चन में घंटा पहले है, मिनट बाद में है, तो 60:1 हमारा क्वेश्चन करेक्ट है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, राइट। तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन जो मैंने हल कराया है वो दैट इज करेक्ट वन। पहले क्योंकि घंटा है, तो घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर मिनट है, तो बी। एनी हाउ देखते हैं क्या बनता है जब इसकी आंसर की जाएंगे। अब चलते हैं आखिरी पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 93 को। क्वेश्चन नंबर 93 देखे। द हीरोइंस इन पीडिलिटी फाइंड नो मेंशन इन दिस बायोग्राफी, इन पीडिलिटी के कहते मानी क्या है, सॉरी इसके अपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज क्या है। इनफिडेलिटी के मानी है बेईमानी, और इसका अपोजिट है वफादारी, लॉयल्टी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर केम अबाउट अ डेडलॉक, लगेगा इसमें, इन द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू राइवल ग्रुप्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन देखे। द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बी सेटल थ्रू निगोशिएशन, बहस मुबाइसा। तो कहते हैं कि चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग म्यूचुअल डिस्कशंस, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 96, सो वी हैव नो डेटा टू गो अपॉन इन दिस केस, वी हैव नो डेटा टू एग्जामिन इन दिस केस, टू एग्जामिन, ऑप्शन सी इसमें लगेगा। इस केस में हमें डेटा स्टडी करने के लिए कोई मवाद नहीं है कि उसका हम मायना करें। और 97 नंबर क्वेश्चन देखें। वट इज अ करेक्टर, अ करेक्टर इट इज अ फेमस मैन इन द फ्ले, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 98 नंबर देखिए। हु इज द पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 99 में वाहिद इज फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर, तो इसमें ऑप्शन ए लगेगा, इंटेंट ऑन फिनिशिंग, ऑप्शन बी। 2 के बाद फिनिशिंग नहीं आता, उसके इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। वाहिद इज इंटेंट ऑन फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। और 100 नंबर देखिए।
आखिरी क्वेश्चन, यू सेड टू हिम व्हाई डिड यू कॉल मी नेम्स यस्टरडे, यू आस्क्ड हिम, ऑप्शन सी को देखें, व्हाई ही हैड कॉल्ड यू नेम्स द प्रीवियस डे, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है दोस्तों। इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया। यकीनन ये पेपर काफी मुश्किल था, मैंने भी इसको हल करने में काफी मेहनत की है, और हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन कहीं से गलत मुझसे हो गया हो, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है। तो जिन दोस्तों को लाइक पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर तो लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।